सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके लिए लेके हैं एक्सटर का SAMT वेरिएंट, जो कि आपके सामने वाइट कलर में लगी हुई, काफ़ी तो खूबसूरत लग रही है। तो जानेंगे इसके बारे में, इसमें क्या प्राइस होने वाला है, इसका क्या फीचर मिल जाता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप लास्ट तक बने रहो। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करें वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आप इसका एक शोरूम जान लीजिए। यहाँ पर जो आपको इसका एक शोरूम आने वाला है, वो आने वाला 8,22,900 रुपये, जो कि आपको SAMT, जिसमें कि आपको 8,22,000 आप एक शोरूम आप खर्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। ये रहा इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और यहाँ पे आप इसका कुछ की फोब चेक कीजिए। यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ की फोब मिलता है, जिसपे कि आपको नाइफ की दी जाती है, एक रिमोट की मिलता है जिसपे कि लॉक अनलॉक का बटन और बूट ओपन का बटन वो मिल जाता है, और एक आपको नॉर्मल की ही मिलता है। यहाँ पर आपको विजिबल भी हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इसका कुछ इस तरीके का फ्रंट प्रोफाइल होने वाला है। और फ्रंट एलिमेंट में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको DRL मिल जाता है, जो कि बेस टू टॉप आपको ये चीज़ दिया जाता है। उसी के जस्ट नीचे में आपको हैलोजन में इसका टर्निंग इंडिकेटर मिलता है, जो कि आपको विजिबल हो रही होगी। यहाँ पे ये इसका हैलोजन में टर्निंग इंडिकेटर मिलता है। और यहीं पर आप देखेंगे तो हैलोजन में यहाँ पर इसका हेडलैम्प मिल जाता है। फॉग लैम्प में कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपको यहाँ पर देखने के लिए। साथ में यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लाइट भी दिया गया, जो कि आप जैसे स्टेयरिंग ओवर रोल करते हैं, स्टेयरिंग आप मोड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और यहाँ पर आप इसका पैरामेट्रिक ग्रिल जो आपको मिल जाता है, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता है। यहाँ पे एक्सटर का लोगो और यहाँ पे हुंडई की बैचिंग। और यहाँ पे आपको पावर वगैरह इसकी डायमेंशन आपको डिस्प्ले हो रही होगी वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका टोइंग हुक, जो कि यहाँ पे आपकी गाड़ी अगर कभी ब्रेक डाउन कर जाती है तो यहाँ से आप टो करवा के ले जा सकते हैं। और उसके नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड स्किड प्लेट, एयर फ्लैप के लिए जगह छोड़ी गई है ताकि इसका इंजन ओवरहीट ना हो। और सिल्वर कलर में यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिलता है। सिल्वर के साथ साथ यहाँ पे ब्लैक मैट फिनिश भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना रही होती है गाड़ी को। और अगर देखिएगा इस गाड़ी में, तो यहाँ पर आपको साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर मिल जाता है कुछ 14 इंच का टायर साइज़, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। 165/70 का आपको यहाँ पे टायर साइज़ मिलने वाला है, जो कि आपको बेस्ट इन सेगमेंट है। ये आपको कॉम्पैक्ट SUV से भी छोटी गाड़ी आती है ये यहाँ पे। तो ये आपको टाटा पंच की कॉम्पिटिटर होने वाली है, जो कि अगर पंच की बात करें तो वहाँ पंच पे आपको 3 सिलेंडर इंजन ही मिलते हैं, बट यहाँ पे जो आपको मिलता है वो 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। स्मूथ होने वाली है गाड़ी की आवाज़, माइलेज ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर स्टील व्हील के साथ आता है ये, और यहाँ पर इसका स्टील व्हील कवर जो आपको देख रहा होगा यहाँ पर विजिबल भी हो रही होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका काफ़ी लंबा व्हील बेस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा प्रोवाइड होगा। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आप चेक करें, यहाँ पर आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जो कि आपको विजिबल भी हो रहा होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ अगर यहाँ पर आप इसका अप्रोच एंगल भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इसका अप्रोच एंगल मिलता है, जो कि एनफ है ऑफ रोडिंग करने के लिए। और अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। और यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल वगैरह नहीं दिया जाता है। आप सबसे टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको क्रोम डोर हैंडल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है टर्निंग इंडिकेटर ORVM पे, जो कि काफ़ी बेस्ट इन सेगमेंट की चीज़ है, जो कि आपको टाटा की पंच जो है वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका पैरामेट्रिक डिज़ाइन जो है, जो कि आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता है। गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चार चांद लगाती है। और यहाँ पर आप देखिएगा इसका रियर प्रोफाइल में, तो रियर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पोल एंटीना, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। और आप सबसे टॉप एंड मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर वो मिलता है शार्क फिन एंटीना, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी होती है नॉर्मल पोल एंटीना के मुकाबले। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, जो कि आपको हेल्प करता है आप कभी भी ट्रैफिक वाले सिचुएशन में आप गाड़ियाँ ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ अप्लाई होती है। वहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको डिफॉगर नहीं मिलता है, ना वॉशर ना वाइपर का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको इसका पैरामेट्रिक डिज़ाइन में इसका जो डिज़ाइन मिल जाता है ब्लैक पियानो फिनिश में, और यहाँ पर इसका हुंडई का लोगो, और यहाँ पर एक्सटर की बैचिंग, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको LED में इसका सेटअप मिलता है हेडलाइट का, बट यहाँ पर टर्निंग इंडिकेटर वगैरह जो है वो आपको हैलोजन सेटअप होने वाला है। उसके बाद अगर इसका मैं एक बार बूट स्पेस आपको चेक कराता हूँ, आप बूट स्पेस चेक कीजिएगा।
बूट स्पेस यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बूट स्पेस होने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा बूट स्पेस होने वाला है। यहाँ पे बूट लैंप आप यहाँ पे एसेसरीज़ के तौर पे यहाँ पे आप बूट लैंप इंटीग्रेटेड करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका मिलेगा स्पेयर पार्ट, जिसमें कि आपको व्हील मिल जाता है, जैक है, स्पैनर है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और ये रहा कुछ इसका हैजार्ड किट, जो कि आपको तब काम आता है जब आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन कर जाती है, मैं आपको दी गई है, ये आप चेक करेंगे। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है। साथ ही में अगर आप एक यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ देखें तो यहाँ पे आपको कैमरा नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे आप जब भी लाइट कैमरा लगवाएंगे तो यहाँ पे आप उसका लाइट का विजिबिलिटी बढ़वाने के लिए भी स्पेस दिया गया है, ताकि आप इसमें लाइट इंस्टॉल करवा लें। रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिख जाते हैं, दो पॉइंट में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलता है। साथ में यहाँ पे रिफ्लेक्टर, सिल्वर और ब्लैक मैट फिनिश के साथ इसका सैटिन फिनिश में इसका स्किड प्लेट मिल जाता है। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इसका ORVM जो है वो डुअल टोन ORVM मिलने वाला है, वाइट एंड ब्लैक के साथ आपको ये फिनिश आने वाला है। इस पे आपको इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको सिल्वर कलर का फिनिश मिलता है, और ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, जो कि आपको वहाँ पे मैं ड्राइवर साइड डोर पे चेक कराऊंगा। अगर आप पैसेंजर डोर पे आप देखिएगा तो पैसेंजर डोर पे आपको कुछ इस तरीके का होने वाला है, जिसमें कि आपको पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, गेट लॉक अनलॉक करने के लिए हैंडल, यहाँ पे आपको वाटर बॉटल रखने के लिए स्टोरेज, ये रहा आपका स्पीकर। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक करने के लिए भी दिया गया है, जो कि आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो, वहाँ पे आपके अपने किड्स के सेफ्टी के लिए यहाँ पे आप इसको चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। जैसे इंट्रेंस लेते तो यहाँ पे कोई आपको स्कफ प्लेट वगैरह नहीं मिलता है। उसके बाद अगर आप रियर में देखेंगे तो रियर में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है दोनों साइड में, 3 पॉइंट में आपको यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं मिलता है। 60-40 सीट यहाँ पे नहीं होने वाला है, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलेगा, 3 पॉइंट LR सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर के साथ। सो अब जैसे आप इस साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर चेक भी हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे इस गाड़ी में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका रियर में रियर AC वेंट्स यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे इसको फ़ैन कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट, जो कि आप चेक कर सकते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट, इसका रियर AC वेंट, फैन का स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका हैलोजन सेटअप में रूम लैम्प मिल जाता है, जो कि आपको मैगजीन वगैरह पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया जाता है कोट हैंगर, जो कि आप किसी मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं तो कार में आप बैठेंगे तो आपका होता है क्या कि वो चूर हो जाता है, तो यहाँ पे आप इसको हैंगर के कोट को अपने रख सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडरूम वगैरह सारा काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाता है, बूढ़े लोगों के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। तो चलते हैं इसके ड्राइवर साइड पे। ड्राइवर डोर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलता, आप नॉर्मल की से ही आप ऑपरेट करके यहाँ से गेट को अनलॉक कर सकते हैं, या फिर आप रिमोट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइवर डोर पे आपको यहाँ पे सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस साइड करना हो, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। ऑल पावर विंडो का बटन्स यहाँ पे दिया गया है, विंडो लॉकिंग जो कि आपको रियर के सीट्स के लिए दी जाती है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है ड्राइवर साइड में 1 टच अप एंड डाउन, जो कि जस्ट इस हार्ड टैप करेंगे तो एक बार में विंडो अप जाएगा, और एक बार हार्ड टैप डाउन करेंगे तो विंडो एक बार में वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे डोर लॉक करने के लिए हैंडल, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाटर बॉटल स्पेस, अम्ब्रेला स्पेस वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 6-way एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, जो कि इससे आप हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं इसको, और यहाँ से सीट को नीचे से आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैट वगैरह लगी हुई है गाड़ी में, जो कि ये एसेसरीज़ के तौर पर लगी हुई है। सो आप देखेंगे यहाँ पे इसके स्टीयरिंग पे, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, जिस पे कि आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको विजिबल भी हो रहा होगा वॉइस कमांड का ऑप्शन। यहाँ से मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्ट FM2 आप मीडिया जा सकते हैं, ये सारी चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक मिनट में गाड़ी को ऑन करता हूँ। सो आप यहाँ पे ये भी देख लें, यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता है, आप नॉर्मली आप की से ये स्टार्ट करेंगे गाड़ी को।
सो यहाँ पे आप गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक्शन का बटन, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि आप जैसे गाड़ी ऑन करेंगे तो ये ट्रैक्शन का बटन ऑन रहता है, बट आप यहाँ से इसको मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है, तो आप इसको ऑन करके ही रखें। बीम हाई एंड लो करने के लिए इसका लाइट का जो है वो आपको बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें कि वॉइस कमांड का बटन मिल जाता है, मोड का बटन मिल जाता है। यहाँ से आप वॉल्यूम रेज एंड डाउन कर सकते हैं, सॉन्ग चेंज कर सकते हैं, कॉल आंसर डिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। स्टार मार्क, जो कि आप अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन जो है वो यहाँ से आप स्टार मार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रिप कंट्रोल कर सकते हैं, टायर प्रेशर चेक कर सकते हैं, एक बार आप चेक कीजिएगा, यहाँ से आप ये सारी चीज़ चेक कर सकते हैं इस बटन से। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टायर प्रेशर चेक करने के लिए ड्राइव टू डिस्प्ले, आप ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। बाकी यहाँ से आप सारा चीज़ सेट कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं मिलती, ये आपको राउंड स्टीयरिंग ही दी गई है, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा राउंड स्टीयरिंग है ये। उसके बाद आप इसका रियर एसी वेंट्स, मैं बोल रहा हूँ एसी वेंट्स कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये राउंड शेप में, सर्कल शेप में, दोनों साइड आपको सर्कल शेप में मिलेगा, इस साइड ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड आपको सर्कल शेप में मिलेगा, बट आपको इन सेंटर यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये चीज़। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिल्वर फिनिश दिया गया है, और यहाँ पे इसका पैरामेट्रिक डिज़ाइन जो है, जो कि इसका हुंडई का मेन लोगो है, जिसको कि पैरामेट्रिक डिज़ाइन बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करके दिया गया है। और ये आपको प्लास्टिक फिनिश होने वाला है, काफ़ी अच्छा फिनिश होने वाला है, इसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आता है यहाँ पे। अगर बात करें सेफ्टी की, तो यहाँ पे इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, बेस टू टॉप मिलता है ये सारी चीज़, ट्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबली कंट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ आपको फ्रंट में ABS हो गया, ये सारी चीज़ आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलेगी। 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे आपको 8 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल भी हो रहा होगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे आप इसका ये ग्लव बॉक्स चेक करें, यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। और यहाँ पे आप फर्स्ट एड किट वगैरह भी दी गई है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका सन वाइजर्स वैनिटी मिरर के साथ। यहाँ आपको नॉर्मल IRVM मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा नॉर्मल IRVM, इसको आप जस्ट अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं इस बटन से, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ दोनों साइड में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पर तो इसका माइक मिलता है, ये इसका माइक, जिससे कि ये आपको तब काम आएगा जब आप कॉल पे बात वगैरह करें, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ काम आएगी, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी में नहीं दी रहती है बहुत सारी कंपनी में, जैसे कि टाटा की कंपनी हो गई, उसमें आपको ये सारी चीज़ आपको एक तरह से आप ये बेस मॉडल ही है, आप EX के बाद S मॉडल आता है, जो कि कोई ज़्यादा अपर वेरियंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट AC नहीं मिलता, यहाँ पे आप मैनुअल AC मिलता है, जो कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ैन का स्पीड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, हॉट करना हुआ तो हॉट कर लें, ब्लोअर चलाना है तो। और यहाँ से आप AC को टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसका सर्कुलेशन का आपको मिल जाता है बटन, जो कि आप बाहर का हवा अंदर ले सकते हैं, अंदर का बाहर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, सी टाइप चार्जर, USB आपको पॉइंट मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पर कारपे के लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, इसका पावर वगैरह आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, 83 PS का पावर आता है आपको यहाँ पे नेचुरल इंजन में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप रिवर्स आ गए हैं, यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, ये अभी रिवर्स का लाइट जल रहा है, न्यूट्रल हो गया, यहाँ से ड्राइव मोड पे आ गया। और इस साइड आप करते हैं तो ये मैनुअल आ जाता है, जो कि आप स्पोर्ट्स मोड एक तरीके से बोल सकते हो। और यहाँ पे आप जस्ट अप करेंगे तो गियर अप होगा, और यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चेक करते हैं इसको न्यूट्रल पे, तो हो गया अभी ये न्यूट्रल पे। और यहाँ पे आप जब कैमरा इंटीग्रेटेड करवाएंगे, इसको एसेसरीज़ के तौर पे लगवाएंगे, तो यहाँ से आप जैसे ही रिवर्स पे करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक हो रही होगी, क्योंकि आप चेक कीजिए, अभी मैं न्यूट्रल पे करता हूँ तो ब्लू कलर का लाइट ब्लिंक हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे अभी रेड कलर का हो गया, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे ये सारी चीज़ आपको आएगी। और यहाँ आप क्लस्टर अभी चेक कर सकते हैं, रिवर्स मोड डाला मैंने, न्यूट्रल किया, ड्राइव मोड पे डाला, और यहाँ से आप मैनुअल कर लिया, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वाटर बोतल के लिए स्पेस, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस, जो कि आप कोई भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है।
और अगर बात करें तो यहाँ पर 6 एयरबैग है सेफ्टी में, ये सारी चीज़ आपको दी जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए थैंक्स।